साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी का पीएच कितना होता है? इसका आंसर है 7। 7 मतलब न्यूट्रल। इसके नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो एसिड माने जाते हैं, 7 के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं उनको बेस कहा जाता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेमन जूस खट्टा होता है क्योंकि उसका पीएच 2.2 होता है, ये इसका मतलब है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर, कौन सा कंपाउंड है? तो वो एल्कोहल होता है। अगर वो इथानोल, मेथानोल जो भी होगा जिसके एंड में ओएल लगा होता है वो एल्कोहल होता है। एल्कोहल जर्म्स को किल करता है, इसलिए इसे मेनली सैनिटाइजर्स में यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई भी चीज कितनी बार एक जगह पे एक टाइम में रिपीट हो रही है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आपको एग्जांपल दिख रही है, ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब ज्यादा चीजें चल रही हैं, नीचे कम है। इसका यूनिट हर्ट्ज है, जो कि हेनरिक हर्ट्ज एक जर्मन साइंटिस्ट था उसके नाम पे डाला गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू व्हिच कलर? लिटमस पेपर क्या होता है? एक नॉर्मल सा पेपर जैसा होता है। ये किसी चीज को चेक करने के लिए कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर रेड है। यहां पे आपको एग्जांपल दिख रही है कौन सा कलर कब बन जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक? हमारे स्टोमक में कौन सा इनमें से एंजाइम नहीं होता? इसका आंसर ट्रिप्सिन है। आपको दिख रहा है कि ट्रिप्सिन स्टोमक के बाहर यहां पे आ रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ? इनमें से कौन सा ग्लैंड है? वो सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे माउथ में होता है, जो कि सलाइवा रिलीज करता है। ये इसका आंसर है। सलाइवा मतलब जो थूक होता है, जो जब हम खाते हैं उसमें मिक्स होता है और वो फैट को डिजॉल्व करता है या बहुत सारा काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ये उसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव आवर किडनीज? किडनीज के ऊपर का जो ग्लैंड होता है वो एड्रिनल होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी वो दिख रहा है, ये एड्रिनल इसका ए आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है कि जो वेव लेंथ होती है उसका यूनिट कौन सा होता है उसको मेजर करने के लिए? वेव लेंथ मतलब दो लहरें हैं उनके बीच का गैप, तो गैप मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मापने के लिए मीटर है। इसका आंसर डी यानी कि मीटर है। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका अदर नाम क्या है? इसका अदर नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कोई चीज चल रही है, जब तक उसे रोकोगे नहीं तो वो रुकेगी नहीं, ये इसका मतलब है। इसके बाद क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल मोस्ट डक्टाइल है? डक्टाइल मतलब कोई मेटल को कूद कूद के लंबी तार बनाई जाती है, तो इसका आंसर गोल्ड है। गोल्ड को बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है छोटे से पीस से भी। और इसके जैसा ही एक और मेटल है प्लैटिनम। ये गोल्ड और प्लैटिनम बहुत डक्टाइल होते हैं, ये इसका आंसर है। होप आपको ये समझ आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लेट मी नो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।